आज का ये सेशन में आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 500 इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर एसएससी सीजीएल एंड फॉर एसएससी एग्जाम्स फ्रॉम द बुक ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी। ओके, तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हम पहले पढ़े थे एरिस्टोक्रेसी मतलब रूल बाय नोबल और गवर्नमेंट, एथेस्ट मीन्स जिसको भगवान पे भरोसा न हो, कैलीग्राफी मीन्स डिजाइन कुछ अच्छा लेख किसी भी चीज को अगर अच्छा से लिखा गया हो सुंदर आकृति बना के तो वो कैलीग्राफी, कॉनोसियर मीन्स एन एक्सपर्ट किस चीज का वो हो सकता है आपका आर्ट का, वो हो सकता है आपका ब्यूटी का, आपका क्वालिटी का, फूड का, म्यूजिक का। नेक्स्ट है फैटालिस्ट जो फेट के ऊपर भरोसा करे। नेक्स्ट है इनविंसिबल जिसको आप हरा ना सके, जिसको आप बदल ना सके। मर्सिनरी जिसको आप पैसा के लिए वो कुछ भी करेगा। एसेटिक साधु संत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्निवरस, कार्निवरस मीन्स मांस खाने वाला जानवर। कार्टोग्राफी मीन्स ग्राफ बनाना, मैप मैप का स्टडी करना, उसको कार्टोग्राफी बोला जाता है। एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी है आपका शब्दों का ओरिजिन और इतिहास, ठीक है। होमिसाइड मीन्स घर में अत्याचार करना, जान पहचान वालों को मार देना, ठीक है, या फिर जानबूझ के। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मीन्स पुराना जो बिलीफ है, रीति रिवाज है, उस पर भरोसा न करना। इलेजिबल जो हैंडराइटिंग को आप पढ़ न सके। इनकॉरिजिबल जिसका बुरा आदत हो और वो उसको सही ना कर पाए। इंसोमनिया जिसको रात को नींद ना आए। नेपोटिज्म भाईचारा भाई भतीजावाद इसी चीज़ को। ऑब्सोलीट जो अभी वैलिड नहीं है, जो अभी लागू नहीं किया जा सकता, जिसके जगह में नया चीज आ गया है। पैट्रिसाइड अपने पिता का हत्या करना। फिलेटलिस्ट स्टाम्प का स्टडी करना और कलेक्शन करना। आइए चलिए आज हम लोग कुछ नया वर्ड से फिर शुरुआत करेंगे। आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्टोइक। स्टोइक मीन्स एक ऐसा इंसान जो दर्द से जूझ रहा हो, ठीक है, हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। तो जो एक ऐसा इंसान जो कि सारा दर्द को झेल ले और ये भी ना दिखाए कि मेरे को दर्द हो रहा है, जो दर्द को सह ले। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, उसको आप याद रख सकते हैं स्टॉइक। स्टॉइक से हम लोग रख सकते हैं स्टॉक, तो जो कि भाई दर्द स्टॉक में रख लिया है और जिसको जो स्टॉक में रख करके वो किसी को भी ना बताए उस चीज के बारे में, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉइक। नेक्स्ट एलियन, एलियन मतलब हमको पता है विदेशी है, बाहर देश से जो आया हुआ है उसको एलियन बोलते हैं, तो नया वर्ड नहीं है। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब जिसको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, जो कि मतलब कुछ भी काम करे तो स्पोर्टी वे में करे, ठीक है, उसको उसी में आनंद आता है, उसको उसको वो ये ना सोचे कि ये काम भी मिल गया वो काम भी मिल गया, तो जो मिले वो कर ले, ठीक है। शौकीन व्यक्ति एमेच्योर, ठीक है, तो बहुत बार हम लोग ये पढ़ते हैं, बहुत बार हम लोग सुनते हैं एमेच्योर फुटबॉलर, एमेच्योर क्रिकेटर, बस जो कि स्पोर्ट के हिसाब से उसको उस जॉब को करे, ठीक है। एमेच्योर तो देखिए हम लोग जनरली जो भी देखते हैं जो मैच्योर आदमी लोग रहते हैं, मैच्योर आदमी कैसे रहता है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं। तो एमेच्योर क्या है, बहुत फुर्तीला आदमी है, उसको भाई आप कुछ भी काम देंगे वो तुरंत कर लेगा, हड़बड़ा के गेम खेल के स्पोर्ट के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमेच्योर, ठीक है, उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर याद रख सकते हैं। एमनेसिया, ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस हिज मेमोरी, ठीक है। एमनेसिया मीन्स कोई भी एक ऐसा, एक एमनेसिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि आप अपना मेमोरी को जो है उसको आप या तो आधा या फिर पूरा आप उसको खो देते हैं, तो ये है एमनेसिया, ठीक है, एमनेसिया। तो जनरली इसको कैसे याद रखना है, देखिए तो आप एक दिन क्या हुआ, आप एशिया में आप रहते हैं, ठीक है, आप एशिया में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, मगर आपका क्या है, आपको याद नहीं आ रहा है कि इंडिया में कहाँ रहते हैं। आपको इंटरव्यू में पूछ दिया कि आप इंडिया में कहाँ रहते हैं, आप यार आप बोल नहीं पाए, आप बोल दिए कि आई एम फ्रॉम एशिया, तो उसको याद रख सकते हैं एमनेसिया, ठीक है, आपको याद नहीं है, आप भूल गए हैं, मीन्स मेमोरी का जो लॉस है, चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो, पूरा हो या फिर आधा हो, तो उसको एमनेसिया बोलेंगे। नेक्स्ट है एनार्की, अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन है, एक देश की एक ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि भगवान ये जहाँ पे कि
भगवान भरोसे चल रहा हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं हो, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर ही नहीं हो, ठीक है, तो इसको क्या गया है, एनार्की। ठीक है, एनार्की इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है आपको, एनार्की को, एनार्की को आप याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक देश है, ये एक कंट्री है, ठीक, यहां पे आपको मान लीजिए ये आपका एक कंट्री है या फिर एक ऐसा माहौल है, तो आप क्या कर रहे हैं उस जगह में, आपको पता नहीं है कि आपको कोई बोल दिया है आर्क बनाने, एक सर्कल में आर्क बनाने बोल दिया है आपको, ऐसा पृथ्वी में आपको आर्क बनाना है, तो आर्क आप कहाँ से बनाएंगे, आप यहाँ से आर्क बनाएंगे, यहाँ से, आपको कुछ बोला नहीं है कि भाई वो कितना है, आपको बोल दे एन आर्क, तो आपको पता ही नहीं है, गवर्नमेंट का सुविधा चल रहा है, गवर्नमेंट बोल दिया है कि भाई आपको एक देश का जगह का एक लिमिट बनाना है, वो जगह में एक गोल बना करके आर्क बनाना है, तो आप कैसे याद रखेंगे उसको, आपको तो बोला नहीं कि कितना बनाना है, तब क्या आप कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी आर्क ले लिए, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे वहाँ, तो जो देश आपको इस तरह से जो आपको स्टेट बनाना था, आप उसको ऐसे वैसे करके आप उसको उल्टा बना दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है, वहाँ पे पता ही नहीं है एक्चुअल में कि हो क्या रहा है, तो उसको एनार्की से याद रख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ्स, तो ह्यूमन रेस का, ह्यूमन जाति का, मानव जाति का, एनार्की को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अराजकता, ठीक है, एक है होता है राजकता, एक होता है अराजकता, ठीक है। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, तो मनुष्य जाति का विज्ञान, जो मनुष्य के जाति के बारे में बात करे, जो उस चीज़ का पढ़ाई करे, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या भरोसा रखता है, क्या उसका थिंकिंग है, वो सब जो पढ़ाई करे उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी हम लोग बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इससे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट आर्काइव्स, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हिस्ट्री बुक पढ़े रहेंगे मॉडर्न इंडिया का, तो आर्काइव्स, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में जनरली दिया गया रहता है आर्काइव्स, तो गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, रिकॉर्ड हो, तो उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है आर्काइव, अभिलेखागार, ठीक है, आर्काइव कैसे याद रखेंगे आर्काइव को, अलमारी है, अलमारी के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो सब किसी फोल्डर में रखते हैं, वो सबको आर्काइव कहा जाता है, इसका और कोई शॉर्टकट अभी नहीं है, ठीक है, देखते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स जिसको आप भरोसा कर सके, क्रेडिबल, ठीक है, जिसको आप भरोसा कर सके और ट्रस्ट कर सके, वो है विश्वसनीय, क्रेडिबल, ठीक। देन एफेमिनेट, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन और गर्ल, देखिए जहाँ पे ये फेमिन वाला चीज़ आ गया, FEMIN, फेमिनिज्म हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, फेमिनिन हो गया, तो वह लड़की वाला जेंडर आ जाता है, ठीक है। एफेमिनेट मतलब आप लड़की की तरह बर्ताव करना, लड़की की तरह बात करना, या फिर लड़की की तरह दिखना, नारी जैसा, उसको एफेमिनेट कहा गया है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट, पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी, तो जो लोग ये भरोसा रखता है कि औरत जो है, लड़की जाति जो है, उनको भी सेम राइट दिया जाए, सेम अधिकार दिया जाए, मानव, ह्यूमन के तरह, मीन्स सॉरी मैन के तरह, आदमी के तरह, तो उसको नारी, उसको क्या कहा गया है, फेमिनिस्ट, हिंदी में इसको नारीवादी कहते हैं। नेक्स्ट है जेनोसाइड, मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जब भी एक होल रेस मीन्स एक होल जाति का, जैसे पूरा जाति का अगर आप हत्या करते हैं, तो उसको कहा गया है जेनोसाइड, नरसंहार, ठीक है, जेनोसाइड। तो क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे, एक जीन आता है, ठीक है, एक जीन, जीनी आता है, जीनी रहता है ना अलादीन का चिराग वाला जीनी, वो जीनी आता है और फूंक के पूरा जो लोग है एक गांव को उड़ा देता है उसको, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, सबको ही मर जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जेनोसाइड। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, होमिसाइड पढ़े हैं, ठीक है, पैट्रीसाइड पढ़े हैं, और ये अभी और एक वर्ड आ रहा है जेनोसाइड, तो ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है गुलीबल, इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, जो बहुत भरोसा करे, जो बहुत भरोसा कर ले, तो उसको क्या होता है, उसका भरोसा हमेशा तोड़े जाता है, ठीक है। बत्ती गुल, इसमें से आप याद रखिए, जो ज़्यादा भरोसा करेगा उसका बत्ती गुल हो जाएगा, तो उसका भरोसा जल्दी टूट जाएगा।
आसानी से धोखा खाने वाला, वो क्या होगा, आसानी से धोखा खाएगा। नेक्स्ट है ऑनोरियम, ऑनोरेरियम, ठीक है। ऑनोरेरियम क्या है, पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज और अ फी पेड फॉर नॉमिनली फ्री सर्विसेज, ठीक है। तो किसी को, किसी का अगर प्रोफेशनल सर्विस मीन्स मान लीजिए कि कोई एक अच्छा वेबसाइट बनाया है उसके लिए आप पैसा दे रहे हैं, या फिर कुछ एक जू है उसके लिए आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑनरेरियम कहा जाएगा, राइट? नहीं, रॉन्ग। क्यों? उसको फीस कहा जाता है। तो जनरली कुछ भी अगर ऑनरेरियम मीन्स देखा जाएगा तो एक बड़ा आकार में फीस दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक अच्छा इन्वेंशन हुआ है अंधे का, लकड़ी में अंधे अंधे का जो डंडा रहेगा उसमें क्या होगा कि उसमें सेंसर लगा हुआ रहेगा, जैसे अंधा गिरने वाला रहेगा, मान लीजिए एक गड्ढा आ गया तो वो सेंसर ऑटोमेटिक बीप करेगा। तो ऐसा कुछ सर्विस है उसके लिए बड़े आकार में फी दिया जा रहा है, नॉमिनली वो फ्री है, मान लीजिए वो आइडिया क्या है, वो फ्री है बट उसको कोई खरीदना चाहता है, या फिर कुछ फ्री सर्विस, ऐसा ट्रेन में आप जा रहे हैं, या फिर आप जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो वहाँ पे जो वेटर है उसको आप टिप्स देते हैं, उसको आप टिप देते हैं, उसको उसका तो मेन काम है खाना देना, वो उसका काम है, तो आप जो टिप्स देते हैं वो क्या है, उसका बोल सकते हैं ऑनोरेरियम, ठीक है। फी पेड फॉर नॉमिनली फ्री सर्विस, जो जनरली फ्री सर्विस है मगर आप उसके लिए भी फी देते हैं, मानदेय उसको हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मीन्स धोखेबाज, ढोंगी, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, दिखाने के लिए इम्पोस्टर, ठीक है। तो पोस्टर देखिए, पोस्टर क्या होता है, पोस्टर के आगे कुछ रहता है, पोस्टर के पीछे कुछ रहता है, हम लोग को बहुत अच्छा पता है कि पोस्टर के बाहर जो रहता है वो तो दिखाने के लिए सबको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट पोस्टर के अंदर क्या है वो चीज़ तो बाद में ही पता चलता है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं इस तरह से, ढोंगी, ठीक है, जिस पर ए पर्सन ऑफ प्रिटेंस, जो कि मतलब दिखाता है कि हम ये नहीं है मगर एक्चुअल में होता अलग है, वो दिखाता अलग है होता अलग है, रहता है ना हम लोग का एक कहावत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बस इसी तरह का इम्पोस्टर। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम लोग इनसॉल्वेंट, ए पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज, इनसॉल्वेंट मतलब क्या, एक आदमी जिसके पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो जो भी है उसके लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, दिवालिया निकल जाना उसको, इनसॉल्वेंट। तो एक केस चल रहा था, ठीक है, एक केस चल रहा था और वो केस खत्म नहीं हुआ, वो बेचारा क्या हुआ, वो केस कभी सॉल्व हुआ ही नहीं, और वो पॉकेट में उसका 1 रुपया भी नहीं था कि वो कुछ कर सके, ठीक है, तो उसका दिवालिया निकल गया वो केस का। तो इसमें से आप याद रख सकते हैं एक केस है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाए, इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट है इटिनरेरी, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस दैट यू विजिट, इटिनरेरी मतलब क्या, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस यू विजिट, तो एक जर्नी का प्लानिंग है जिसमें आप पूरा रूट बताएंगे, जिसमें आप कौन से जगह जाएंगे, पूरा तरफ हर तरफ का चीज बताएंगे, उसको क्या कहा जाएगा, इटिनरेरी, यात्रा का कार्यक्रम, उसको कहा जाएगा इटिनरेरी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, एक बार लाइब्रेरी जाते टाइम, ठीक है, लाइब्रेरी जाने अगर आप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बहुत सारा किताब रखा हुआ है, पूरा लाइन बाय लाइन रखा हुआ है लाइब्रेरी में, ठीक है, लाइब्रेरी में किताब किताब रखा हुआ है, तो वहां से आप याद रख सकते हैं रेडी। तो लाइब्रेरी में जो किताब रखा है वो क्या है, वो एक रूट बताता है आपको कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है, कहाँ पे क्या चीज रखा हुआ है। तो कंप्लीट आपका अगर जर्नी है तो उसके बीच में आपका खाने पीने से लेकर यात्रा कार्यक्रम जो है उसको इटिनरेरी से याद रख सकते हैं। मोनार्की, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग अ क्वीन, ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक राजा हो रानी हो वो लीडर हो उसको मोनार्की कहा गया है, ठीक है। मोनार्की, हम लोग का कंट्री कौन बता पाएगा, हम लोग का जो कंट्री है इंडिया है वो मोनार्की है कि नहीं, हमारे यहाँ भी राजा रानी तो होते ही हैं, तो ये मोनार्की है कि नहीं, ये मोनार्की नहीं है, ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो नेता लोग हैं इसको हम लोग इलेक्ट करते हैं उनको, ठीक है, ये मोनार्की नहीं है। मोनार्की कहाँ पे है, मोनार्की है आपका ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में मोनार्की है। तो मोनार्की मतलब क्या, जहाँ पे राजा रानी अभी भी शासन कर रहे हो, राजतंत्र,
ऑबिचुअरी, मोनार्की, ठीक है, ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी मतलब अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स, शोक संदेश, ठीक है। जनरली ये सोल्जर लोगों का टर्म में यूज होता है, जो लोग आर्मी में मर जाते हैं या फिर कुछ शहीद हासिल करते हैं। ऑबिचुअरी, नोटिस ऑफ समवंस डेथ, कोई मर गया हो तो उसको जो नोटिस भेजा जाता है, ऑबिचुअरी, ठीक है। मॉर्चुअरी टाइप का ये सुनाई दे रहा है ना, मॉर्चुअरी टाइप का ऑबिचुअरी, तो इसको इसी तरह से याद रखते हैं। मॉर्चुअरी में डेड बॉडी रहता है और ऑबिचुअरी में उनका संदेश भेज दिया जाता है, ठीक है। कैसे, अभी 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 मर गए हैं वो, अभी मॉर्चुअरी भेजा गया है, इसमें से आप याद रख सकते हैं ऑबिचुअरी। ऑर्निथोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, लॉजी मतलब हम लोग का स्टडी, और ऑर्निथो, ऑर्नी जो हम लोग का वर्ड आया है वो है हम लोग का पंछी से ये वर्ड आया है, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। चलिए तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग वर्ड देखे हैं। पहले देखिए दोस्तों, पहला है स्टॉइक। स्टॉइक मतलब जो दर्द अपना छुपा के रखता हो, अपने अंदर दिखाता नहीं हो और सह लेता हो, उसको स्टॉइक कहेंगे। एलियन जो विदेशी है, बाहर से आया हुआ। एमेटियर एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी आप काम पकड़ा दो, वो तो मस्ती मजाक से पूरा कर लेगा और उसको जॉब की तरह से नहीं दिखेगा, एक्सपोर्ट की तरह से दिखेगा। एमनेसिया एक डिजीज होता है, भूलने का बीमारी होता है, जिसमें आप कंप्लीटली या फिर पार्शियली भूल जाते हैं। एनार्की क्या है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, ऐसा देश में जो सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है अपना आदमियों के ऊपर। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन रेस का जो स्टडी रहता है, मनुष्य जाति का जो विज्ञान रहता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा गया है। आर्काइव्स मीन्स कोई भी गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको आर्काइव्स कहा गया है। क्रेडिबल मीन्स जिसको आप भरोसा कर सके, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके, उसको क्रेडिबल कहा गया है। एफेमिनेट, ठीक है, ये वर्ड कहाँ से, फेमिनेट से हम लोग जनरली अभी कंपेयर किए थे। तो जो लड़की जैसे बर्ताव कर रहा हो, जो लड़की जैसे आवाज कर रहा हो, लड़की जैसे साउंड कर रहा हो, उसको एफेमिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एफेमिनेट। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब लड़कियों जो फेमिनिन जो जेंडर है, उनके बारे में ये सोचने वाला कि वो भी लड़कों की तरह है, उनको भी उसी पोस्ट में देने वाला, ठीक है। फेमिनिस्ट तो जो वो भरोसा रखते हैं, जो वो बिलीव करते हैं कि हमारे जो लड़की हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है, उनको फेमिनिस्ट कहा गया है और उनको भी सेम अधिकार देना जाना चाहिए। देन जेनोसाइड, तो जब जीनी एक आता है और मार देता है एक गाँव का सारे इंसान को, उड़ा देता है एक साथ, तो वो जो मर्डर करता है उसको जेनोसाइड कहा जाएगा क्योंकि वो एक ग्रुप में हत्या करता है। नेक्स्ट है गुलीबल। गुलीबल मीन्स जिसको कोई भी आराम से उसको, वो क्योंकि गुल्लू रहता है ना, वो पागल रहता है, वो मतलब उसको आप कभी भी कोई भी गधा बना के जाएगा, ठीक है। गलीबल, गलीबल इसको हम लोग ऐसे याद किए थे, जो ज्यादा भोला बनेगा वो उसका बत्ती गुल हो जाएगा। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मतलब हम लोग पढ़े हैं कि पेमेंट, जो कि कोई भी फ्री सर्विस के लिए रहता है या फिर किसी का प्रोफेशनल सर्विस के लिए उसको हाई अमाउंट का पेमेंट दिया जाए, तो उसको ऑनोरेरियम बोला जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोस्टर, मीन्स ढोंगी, जो बाहर से अलग दिखे और अंदर से अलग दिखे। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट, तो एक ऐसा इंसान जो कि जिसका केस सॉल्व ही नहीं हुआ और उसका पॉकेट से सारा पैसा खत्म हो गया, अब वो इंसॉल्वेंट बन गया है, अब उसका जो दिवालिया निकल गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंट। इटिनरेरी, इटिनरेरी मीन्स लाइब्रेरी में आप गए हैं, आपको जर्नी का किताब देख रहे हैं, आपको जर्नी में उसमें जाने से लेकर के खाने का सब कुछ बताया गया है, तो वो इटिनरेरी, ठीक है। मोनार्की, जहाँ पे राजा का शासन हो, रानी का शासन हो, उसे मोनार्की कहा गया है। ऑबिचुअरी, नोटिस ऑफ समवंस डेथ, तो कोई भी अगर मर गया वो मॉर्चुअरी में, अभी मॉर्चुअरी में है, लेके कोई किसी का घर जाता है और बोलता है कि अभी आपका बेटा मॉर्चुअरी में है, तो उसी से याद रखिए ऑबिचुअरी। जनरली देखिए दोस्तों, ये फीलिंग्स सेंटिमेंट से मत जोड़िए इंग्लिश वर्ड्स को, ठीक है। जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इसको ध्यान रखिए इधर उधर का बातें ना करते हुए। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है,
तो आप पंछी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए उतना ही, फिर हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।